वन, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एलपीएम और ईडीएम। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूट्यूब पे जितना भी टॉपिक्स अपलोड करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इसलिए हम अपलोड करते हैं। और हमें भी इन इवन हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एग्ज़ाम वक्त, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आता है तो इसको एक बार देख लेते हैं तो अच्छे खासे रिवाइज हो जाते हैं। क्योंकि अपने लैंग्वेज में बताना, अपने लैंग्वेज में किसी को एक्सप्लेन करना, ये काफ़ी ईजी होता है समझना। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईडीएम और एलबीएम। पहला पॉइंट है इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पार्क इरोजन। स्पार्क इरोजन क्या होता है? ईडीएम प्रोसेस में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में, वर्कपीस का जो मशीनिंग प्रोसेस होता है वो स्पार्क इरोजन से ही होता है। स्पार्क इरोजन के मदद से ही वर्कपीस पे फोर्स लगा के मेल्ट कराते हैं और उससे जो चिप का जो फॉर्मेशन होता है डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के मदद से उसको फ्लश आउट कर देते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, कौन सा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करेंगे? तो केरोसिन। आ रहा समझ में? और एलबीएम में क्या होता है? लेज़र बीम मशीनिंग में, पहला पॉइंट इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। ये लेज़र ऐसा है कि किसी भी प्रोसेस को करने के लिए या किसी भी वर्कपीस को मेल्ट कराने के लिए ये पाउडरी सब्सटेंस भी बना सकता है और अगर वेल्डिंग करना है तो मेल्टेड भी कर सकता है। इसके पास इतना हाईली इंटेंसिटी होता है लेज़र के पास। दूसरा पॉइंट इट यूजेस इलेक्ट्रिक स्पार्क। ये इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज़ होता है। और इट यूजेस लेज़र बीम, इसमें लेज़र बीम का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट इट इज़ यूज्ड फॉर ओनली कंडक्टिंग मटेरियल। और इसमें होगा इट इज़ यूज्ड फॉर कंडक्टिंग मटेरियल और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। देखिए ईडीएम में क्या होता है कि कंडक्टिंग मटेरियल ही यूज़ क्यों होता है, समझने वाली बात है। स्पार्क इरोजन जो होता है बिना इलेक्ट्रिक का तो यूज होगा नहीं, अगर यदि उसमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल अगर कर दें तो स्पार्क इरोजन काम करना ही बंद कर देगा, और काम करना बंद कर देगा तो वर्कपीस से जो सरफेस से जो मेल्ट होगा वो होगा नहीं। जबकि एलबीएम में ऐसा कुछ नहीं है। एलबीएम में क्या है कि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग मटेरियल दोनों ही यूज होगा, फिर भी वर्कपीस का मशीनिंग हो सकता है। चौथा पॉइंट डाइलेक्ट्रिक लिक्विड इज यूज, इसमें डाइलेक्ट्रिक का यूज़ होता है और वो भी कौन सा डाइलेक्ट्रिक? तो केरोसिन। एलबीएम नो डाइलेक्ट्रिक लिक्विड इज यूज, इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक यूज़ नहीं किया जाता है। पांचवा पॉइंट इट रिक्वायर अ टूल विच हैव एबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ईडीएम में जितने भी टूल्स यूज किए जाते हैं वो भारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि एलबीएम रूबी रॉड इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर विथ इटसेल्फ अ टूल। रूबी रॉड क्या है? रूबी रॉड तो खुद ही लेजर प्रोड्यूस कराता है, उसके पास इतना हाई इंटेंसिटी होता है कि खुद ही लेजर प्रोड्यूस कराता है। उसे होता यह है कि किसी भी प्रोसेस, किसी भी वर्कपीस को मशीनिंग कराने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है और काफ़ी जल्दी हो जाता है। छठा पॉइंट ड्यू टू कंप्यूटेशन टू टूल वियर टेक्स प्लेस। इसमें क्या बोलते हैं, टूल का जो वियर होता है, रफनेस होता है, वो इसमें टेक प्लेस करता है और नो चांस ऑफ कैविटेशन, इसमें कोई भी वियर टेक प्लेस नहीं करता है। सातवां पॉइंट है हीट अफेक्टेड जोन इज़ हाई। इसमें हीट अफेक्टेड जोन काफ़ी हाई होता है। हम कुछ टॉपिक है जो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये डिफरेंस बता देते इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलबीएम में होता है हीट अफेक्टेड जोन इज़ नेग्लिजिबल। एलबीएम में हीट का जो हाईली इंटेंसिटी होता है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके लिए थैंक यू सो मच।